हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन सेशन क्लास ऑफ सोशल स्टडीज़। यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड विद आवर हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज स्टोरीज ट्रेवलर्स स्कल्पचर एंड आर्क्योलॉजी। यू मे हैव हर्ड of the Jataks. These were stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. Now students, what is Jataks? ये stories होती थी जो लोग normal लोग लिखते थे ordinary people, और इसको संभाल के कौन रखते थे? Buddhist monks. जो Buddhist monks होते थे वो stories को संभाल के रखते थे। Here is a part of a Jataka stories which tells us how a poor man gradually became rich. Now here one story is given student. This story is all about that how one poor man all of sudden becomes so rich. So what happened student here? आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस स्टोरी इन शॉर्ट कि एक पुअर यंग मैन था जिसके पास डेड रैट था। डेड रैट मीन्स मरा हुआ चूहा था। अब वो उस मरे हुए चूहे को ही वॉन्टेड टू सेल दैट डेड रैट टू समवन फॉर अ कॉइन। फॉर 1 रुपी ही वॉन्ट्स टू सेल दैट डेड रैट फॉर देयर कैट कि वो बिल्ली उस चूहे को खा लेगी। फिर क्या हुआ, एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आया और जो राजा का जो गार्डन था वो पूरा फैल गया था ब्रांचेस लीव्स टहनियों से लीव्स से, मतलब पूरा गार्डन जो था वो फैल गया था। तो जो राजा का जो गार्डनर था जो माली था वो बहुत सारा लॉस में था, मतलब उसको दुख था कि वो कैसे ये सारी चीज़ें इतना साफ करेगा गार्डन को। तो क्या हुआ, वो यंग मैन जो था जिसके पास रेड था वो गया उस गार्डनर के पास और उसने कहा कि मैं ये सारी चीज़ें साफ़ करूँगा और ये भी जो भी ब्रांचेस लीव्स हैं ये मैं अपने पास ही रखूँगा। तो फिर उस यंग मैन ने बच्चों को बुलाया वहाँ पे जो वहाँ खेल रहे थे और उनसे कहा कि वो बच्चे हर एक ब्रांचेस को अगर साफ़ करेंगे तो वो उनको हर एक ब्रांच साफ़ करने के लिए स्वीट्स देगा। तो बच्चों ने वो सब कर लिया और उसके बाद उसने क्या किया, किंग्स पॉटर जो राजा का पॉटर था उसको ना आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ चाहिए थी। तो जो यंग मैन था, पुअर यंग मैन जो था, उसने वो लकड़ियाँ और जो लीव्स थी वो उस यंग मैन को बेच दी। फिर क्या हुआ, एक दिन उसने पूरा पानी का जार भर के वो सिटी के गेट पे गया, मतलब पूरा पानी का जार लेके वो सिटी के गेट पे गया और ऐसे 500 ग्रास कटर जो ग्रास कट कर रहे थे उनको वो पानी का ग्लास दिया, पानी का जार दिया। तो इससे उसकी फ्रेंडशिप हो गई और उन्होंने ग्रास कटर ने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए हमसे। तो उस पुअर यंग मैन ने कहा कि मैं वक्त आने पर आप लोगों को बताऊँगा। फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक दिन वो उन्हीं एक दिन गांव में उसके विलेज में कुछ ट्रेडर्स आ रहे थे जो 500 घोड़ों को बेचने आ रहे थे, मतलब वो 500 घोड़ों को बेचने के लिए आ रहे थे। तो इसके पास ये सुनने के बाद जो पूरे यंग मैन था वो उन ग्रास कटर के पास गया जिनको उसने जार में पानी पिलाया था। तो जैसे ही वो उनके पास गया तो उसने उनसे कहा कि आप लोग जब तक अपनी ग्रास नहीं बेचोगे जब तक मैं अपनी सारी ग्रास ना बेच दूँ। मतलब वो पुअर यंग मैन अपनी उनसे ग्रास खरीद लेता है और कहता है कि मैं जब तक ना बोलूँ तब तक आप लोग अपनी ग्रास नहीं बेचोगे, मुझे यही आपसे एक्सपेक्टेड है। तो उन ग्रास कटर ने कहा ठीक है। तो जैसे ही वो 500 ट्रेडर्स जो ट्रेडर्स थे वो 500 हॉर्सेस को लेकर आए तो उन्हें कहीं भी ग्रास नहीं मिल रही थी। तो उन्हें ग्रास किससे मिली, सिर्फ पुअर यंग मैन से। वो इतना क्लेवर था क्योंकि उन्होंने ग्रास कटर्स को मना कर दिया था ग्रास बेचने के लिए, तो इसलिए जो पुअर यंग मैन था उसको फुल उसने अपनी ग्रास बेच दी और इस तरीके से वो रिच बन गया और उसको उसके 1000 कॉइन्स मिले, 1000 सिक्के मिले उसको वो ग्रास बेचने पे। दिस इज़ ऑल द स्टोरी स्टूडेंट्स। नाउ वी विल कम बैक टू अ चैप्टर एंड वी विल कंटिन्यू इट। वी कैन यूज अदर काइंड ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट व्हाट लाइफ इन सम ऑफ द सिटी अर्ली सिटीज स्कल्पचर्स कार्व्ड सीन्स डिपिक्टिंग पीपल्स लाइफ इन टाउन्स एंड विलेजेस एज वेल एज इन द फॉरेस्ट। स्कल्पचर्स कार्व्ड सीन्स मीन्स स्टूडेंट्स, स्कल्पचर्स मीन्स मूर्तियाँ। तो इन मूर्तियों को, ये मूर्तियाँ हमें दिखाती हैं कि कैसे उस
टाइम पे लोगों की लाइफ थी फॉरेस्ट में और गांव में और टाउन्स में. मैनी ऑफ दीज स्कल्पचर्स वर यूज टू डेकोरेट ट्रेलिंग पिलर्स एंड गेटवेज ऑफ बिल्डिंग्स दैट वर विजिटेड बाय पीपल. और इस स्कल्पचर्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता था, गेट पे, रेलिंग्स पे, पिलर्स पे, वहाँ पे इस मूर्तियों का यूज़ होता था. आगे हम देखेंगे भी. सी स्टूडेंट्स, हियर दीज आर द पिक्चर्स. कितनी सुंदर पिक्चर्स बनाई गई हैं स्कल्पचर्स की, इनको हम स्कल्पचर्स बोलते हैं. मैनी ऑफ द सिटीज़ दैट डेवलप्ड फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो व कैपिटल्स ऑफ महाजनपद्स दैट यू हैव लर्न अबाउट इन चैप्टर सिक्स. इन चैप्टर सिक्स वी हैव सीन स्टूडेंट की कैसे कुछ सारी जो सिटीज़ डेवलप हुई वो महाजनपद से ही डेवलप हुई. और महाजनपद क्या होता है हम पढ़ चुके हैं चैप्टर सिक्स में. As we had seen, some of these cities were surrounded by massive fortification wall. और बहुत सारी सिटीज़ बड़े बड़े फोर्ट से घिरी हुई थी, बड़ी बड़ी दीवारों से जिसपे कोई अटैक ना कर सके. In many cities, archaeologists have found rows of pots or ceramic rings arranged on one on the top of other. See students, these are the rings. Ceramic rings are these. ये आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी उस टाइम पे. दिस सीम्स टू हैव बीन यूज्ड एज अ टॉयलेट इन सम केसेस एंड एज अ ड्रेन एंड गार्बेज डंप. और उस इन इस रिंग्स को स्टूडेंट एज अ टॉयलेट भी यूज़ किया जाता था. लोग इसमें कचरा भी फेंकते थे, गार्बेज, एंड इवन ये ड्रेन्स जो गटर वगैरह होते हैं उसका भी काम करते थे. दीज रिंग्स वेल्स वर यूजली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेज. ये हर एक के हाउस में ये रिंग वेल्स मिलते थे. वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेस, मार्केट्स और ऑफ होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. हमारे पास कुछ भी पैलेसेस, मार्केट्स या नॉर्मल लोगों के बारे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा. परहैप्स येट सम आर येट टू बी डिस्कवर्ड. और कुछ अभी खोज करनी बाकी है. अदर्स मेड ऑफ वुड, मड, ब्रिक एंड थैच मे नॉट हैव सर्वाइव. और जो लकड़ी के घर थे या ब्रिक के घर थे, कच्ची मिट्टी के जो घर थे, घास फूस के जो घर थे, वो सर्वाइव नहीं कर पाए. अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द अर्ली सिटीज इज फ्रॉम द अकाउंट ऑफ सेलर्स एंड ट्रैवलर्स हु विजिटेड देम. वन ऑफ द मोस्ट डिटेल अकाउंट दैट हैज बीन फाउंड वॉज बाय एन अननोन ग्रीक सेलर. ही डिस्क्राइब्ड ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड. और जो आज जो हम इन चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं सिटीज के बारे में, वो सेलर्स से पता लगा सकते हैं जो शिप से आते थे. और एक ऐसा ही ग्रीक सेलर आया था जिसने सारे पोर्ट्स के बारे में हमें बताया था कि पोर्ट्स मीन्स जहाँ पे शिप आती हैं. तो वहाँ पे उन जो ग्रीक सेलर था उसने सब सारे पोर्ट्स के बारे में हमें बताया था. फाइंड बरूच ऑन मैप 7 एंड देन रेड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सिटी. दिस यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ स्टूडेंट्स. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू कॉइन्स. व्हाट फॉर कॉइन्स? यू मे हैव नोटिस हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स इन द स्टोरी ऑफ पेज 90. पेज 90 पे वी हैव सीन द स्टोरी ऑफ क्लेवर मैन स्टूडेंट्स. तो दे आर सेइंग कि हमने देखा कि कैसे वेल्थ को मेजर किया जाता था. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड. बहुत सारे कॉइन्स मिले थे हमें ऐसे. द अर्लीस्ट कॉइन विच वर इन यूज फॉर अबाउट 500 ईयर्स वर पंच मार्क कॉइन्स सच एज द वन शोन बिलो. दीज आर द कॉइन्स स्टूडेंट्स. ये ऐसे कुछ कॉइन्स होते थे जो पहले के टाइम पे चलते थे. पंच मार्क कॉइन्स वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन शेप. जो पंच मार्क कॉइन्स होते थे वो कभी ऐसे रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और राउंड शेप के होते थे. आइदर कट आउट ऑफ मेटल शीट और मेड आउट ऑफ लैटिन मेटल ग्लोब्यूल्स. अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी. ये या तो मेटल शीट से बने होते थे या फिर कुछ ऐसी चीज़ों से बने होते थे जो राउंड शेप की होती थी, स्फेयर शेप की होती थी. द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब बट वर स्टैम्प्ड विद सिंबल्स यूजिंग डाइज और पंचेस. ये जो कॉइन्स होते थे ये इंस्क्राइब, मतलब इस पर कुछ गाड़ के नहीं लिखा जाता था, रेदर देन इस पर स्टैम्प्ड, इसको स्टैम्प किया जाता था या फिर इसको डाइज और पंचेस से बनाया जाता था. इसीलिए इसका नाम पंच मार्क कॉइन्स रखा गया. दीज कॉइन्स आर फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड रिमेन इन सर्कुलेशन टिल द अर्ली सेंचुरीज. ये बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट में मिले, ऑलमोस्ट ऑल ओवर कॉन्टिनेंट में मिले और ये बहुत सारा टाइम तक सर्कुलेशन में थे अर्ली सेंचुरीज में. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द चैप्टर एंड गो थ्रू इट वंस. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू.